हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। देखिए, हमारे पास गेंदे के पौधे पहले से थे, लेकिन मैं कुछ पौधे नर्सरी से लेकर के आई हूँ, जिसके लिए मैंने मिट्टी बनाई है। अब इनको अपने ये कबाड़ वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो मिट्टी देखिए, मैंने हल्की मिट्टी बनाई है। खेत से मैंने ये मिट्टी मंगवाई, जिसमें धान की भूसी और कोकोपीट को मिला करके मैंने इसको सबको बराबर कर लिया, मिट्टी को हल्का बना लिया, ताकि गमले उठाने में मुझे आसानी हो। तो अब मैं चलती हूँ, इसमें गेंदे के पौधे लगा रही हूँ। मैं नर्सरी से पौधे लेकर के आई, मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे। तो फूल के पौधे देख करके दिल ही नहीं भरता है, कहीं भी देखो बस तुरंत लगाने खरीदने का मन हो जाता है। तो ये हमारा डिब्बा था, ढक्कन टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने गार्डन में यूज कर लूँगी। काफ़ी दिनों से मैं इसी ताक में थी कि कोई पौधा मिले जिससे मैं इसको लगाऊँ। तो ये गेंदे के हिसाब से ठीक है, तो इसको मैं इसी में लगाए दे रही हूँ। ये देखिए कैसी बढ़िया जड़ें आई हुई हैं, लेकिन ये सब मैं जड़ों से कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लगा दूँगी। ये बलुई मिट्टी में लगे हुए हैं, जब चिकनी मिट्टी रहती है तब उसको हटाना रहता है, बलुई मिट्टी को नहीं हटाना पड़ता है। छोटा सा कंटेनर है, लेकिन देखिए इसमें मिट्टी अच्छी खासी मिट्टी आ गई है। इसमें आधा टब मिट्टी आ गई है, हल्की मिट्टी है, उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको अच्छे से दबा, कभी भी पौधा लगाएँ तो उसकी मिट्टी को कस के दबा दें, ताकि उसके अंदर गैस ना बने, हवा ना जाए और जड़ें अच्छे से डेवलप हो जाएँ। अच्छे से मैंने इसको दाब दाब करके लगा दिया है, बस 1 इंच में इसको खाली रखूंगी कि कभी कोई खाद देनी हो, और कभी जरूरी नहीं हर बार लिक्विड फर्टिलाइजर ही दिया जाए, कभी कोई दूसरा। ये ऊपर का सिरा, इसका ढक्कन टूटा है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। तो हमारे पास एक ये टाइल्स की गोल गोल ठिकरी रखी हुई है, तो इसी को मैं इसके अंदर रख दूंगी, जिससे हमारी मिट्टी बाहर ना जाए। तो बड़े आराम से ये टाइल्स का गोल टुकड़ा आ गया इसमें, तो इसको मैं ऐसे रख दूंगी। अब मैं इसमें मिट्टी भरती हूँ। हर समय पौधों के बारे में ही सोचना पड़ता है कैसे। दूसरा पौधा में इसको शिफ्ट किए दे रहे हैं, बड़ी आसानी से निकल गया, क्योंकि पॉलीबैग से निकालने से पहले मैंने पूरी पॉलीबैग को पानी में भिगो दिया, जिससे मिट्टी सॉफ्ट हो गई, और हल्का सा पुश करने से ही मिट्टी पॉलीथीन को छोड़ दी और आसानी से पूरा जड़ सहित पौधा बाहर हो गया। अब इसको भी मैं अच्छे से दाब दाब करके लगा दूंगी, उसके बाद में मैं दूसरी तरह ले जा करके इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पानी नहीं डालूंगी, पीछे के गार्डन में ले जा करके पौधे वहीं रखूंगी, उसके बाद भी इसमें पानी दूंगी। ये देखिए, इन्हीं के साथ में मैं एक रेड डेंथस का लेकर के आई थी, ये बिल्कुल वेलवेट जैसा रेड मेरे पास था, फिर भी ये मुझे कुछ अलग हट करके दिखा, तो मैं इसको लेकर के आई। पौधा बहुत छोटा था, तो इसकी रिपोर्टिंग मैंने कल कर दी। उसके बाद में मैं ये देखिए वाइट पिटोनिया, हमारे पास नहीं था, जब से मैं गार्डनिंग का काम कर रही हूँ वाइट पिटोनिया हमारे पास था नहीं, तो इनकी सब रिपोर्टिंग मैंने कल की थी। एक और ये है पर्पल और वाइट, इसकी भी मैंने कल की रिपोर्टिंग की थी, तो इन सभी को मैं पीछे रखी हुई थी, क्योंकि एक दिन इनको छाया में रखना पड़ता है, उसके बाद में धूप में लगाना पड़ता है। और अभी हमारे कुछ पौधे किए पौधे तैयार हो रही है, ये हमारे ऑनलाइन परचेज किए हुए 20 थे, तो जिसमें से कुछ उगते हैं कुछ नहीं उगते हैं, तो अब ये भी जब तैयार हो जाएंगे तब इनके लिए कोई उचित पॉट ला करके फिर मैं उनकी शिफ्टिंग करूंगी। कि गार्डनिंग का काम करो तो कभी पॉट पूरे नहीं होते, चाहे जितने गमले हों चाहे जितने डिब्बे हों, सब कम ही पड़ जाते हैं। मिट्टी भी हमेशा तंगहाल चलती है, मिट्टी कम है मिट्टी कम है, उसी तरह से पौधों की भी इस समय का सीजन जो है विंटर सीजन में अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं, खासकर गेंदा और गुलदाउदी
पिटूनिया, डैंथस, सस्ते सस्ते पौधे मिलते हैं, 20-30 रुपए में पौधे मिल जाते हैं। 8-10 पौधे लगा लो तो पूरा गार्डन हरा भरा हो जाता है, फूलों से भर जाता है, देखने में खूबसूरत लगता है। चलिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ इसमें, कि ताकि ऊपर की मिट्टी जो है धीरे धीरे सोख कर ले, और उसके बाद में फिर मैं जब धूप में रखूँगी तब पर्याप्त मात्रा में पानी डालूँगी, क्योंकि मिट्टी भी अभी नम है, मौसम भी नम है। पौधों से निकली हुई इन पॉलीथीन को मैं सुरक्षित रख लेती हूँ, इसमें कटिंग लगाने के लिए बहुत सुविधा रहती है। मिट्टी भर के रख दो, जब भी कोई कटिंग मिले इसमें लगा दो, उसके बाद में आराम से चलते रहते हैं। जब भी गमले की व्यवस्था हो तो उसमें शिफ्ट करो। तो मैं कभी भी इन पॉलीथीन बैगों को फेंकती नहीं हूँ, इनको हमेशा सुरक्षित रख देती हूँ। और तो बाकी सब बढ़िया है, हमारे गार्डन के सब पौधे जो हैं हरे भरे हैं। कल मैंने बहुत सारे पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अभी हमने देखा है जो काले काले कुछ कीड़े थे, सफ़ेद कीड़े थे, अभी हमें कुछ दिखे नहीं हैं। हाँ, इक्का दुक्का मुझे चींटियाँ दिखी हैं, तो दोबारा स्प्रे करने से वो भी भग जाएंगी, क्योंकि जब सफ़ेद वाले कीड़े होते हैं पौधे में तभी चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ ही इधर उधर इनके सब अंडों को इधर उधर पहुँचा करके पूरे पौधे के विनाश का कारण बन जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात का धन्यवाद देना है कि हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इसका आप लोगों को तहे दिल से साथ धन्यवाद है। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार।